decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. ये दोनों मामले जो हुए रिसेंटली, आगरा का भी और हरियाणा का भी, इन दोनों मामलात में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई फैसला किया हो या ना किया हो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अगेन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस इज द टाइम व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड राइट टू द ओकेजन. प्लीज राइट टू द प्रेसिडेंट इन लार्ज नंबर्स, सर्व द कम्युनिटी. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी. सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के क्या मतलब है? देखिए आर्टिकल 15(4) कहता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जो हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो स्पेशल प्रोविजंस करे उनके एडवांसमेंट के लिए. किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए. ठीक है, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपकी नजर पे डाल रहा हूं. आर्टिकल 15(5) ऑल्सो सेज दैट कि उसके लिए कानून भी बन सकता है. आर्टिकल 16(4) सेज कि देयर शुड बी रिजर्वेशन, द गवर्नमेंट कैन रिजर्व अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स. बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, और आप समझ लें जहां जहां ये कहा है हर जगह शेड्यूल कास्ट का नाम अलग से लिया है, उसके अलावा बैकवर्ड क्लास. इसमें शेड्यूल कास्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें, इस डेफिनेशन में शेड्यूल कास्ट को शामिल नहीं किया है, उसका नाम अलग से लिया है कि शेड्यूल कास्ट को भी करो और इनको भी करो. 46, द स्टेट शैल प्रोवाइड, शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल. शेड्यूल कास्ट अलग, वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल अलग. तो भाई विद रेस्पेक्टफुल रिगार्ड्स टू मिस्टर देवेगौड़ा ऑल्सो, देयर इज इट इज अ टाइम नाउ दैट वी शुड डिस्कस एट द नेशनल लेवल. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में तीन फ्रेजेस दिए हुए हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हु आर दीज? ये कैसे तय होगा कि हु आर दीज? अब इसका जवाब आप देख लीजिए. सच्चर कमेटी, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड, सच्चर कमेटी ने 2006 में रिपोर्ट दे दी और उसमें ये बता दिया दैट मुस्लिम्स आर लैगिंग बिहाइंड एवरीबॉडी एल्स इन एवरी फील्ड. मोटी मोटी सी बात है. सपोर्टेड विथ 375 ग्राफ्स, चार्ट्स एंड बॉक्सेस, ऑल बेस्ड ऑन गवर्नमेंट डेटा, ऑल बेस्ड ऑन गवर्नमेंट डेटा. आर्टिकल 30 हम सब जानते हैं, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अवर चॉइस. 32, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. अगर कोई माइनॉरिटी का एस्टैब्लिश किया हुआ इंस्टीट्यूशन है तो उसको एड देने में स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये भी लिखा हुआ है. तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में क्या हो रहा है भाई? हाउ कम फॉर 3 decades जब ये बनी है अलीगढ़, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1885 में, तब से लेकर के 30-35 साल तक तो दैट वाज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, सर सैयद अहमद खान एंड अदर्स. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 1920 में जब पार्लियामेंट को एक्ट पास करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसके बगैर यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती, तो अब ये आज की तारीख में कहा जाए कि ऑल ऑफ अ सडन सडनली 1920 में उसका माइनॉरिटी का ट्रैक खत्म हो गया और उसने मुसलमानों ने उसको एस्टैब्लिश ही नहीं किया था. दिस इज नो, ये सब है छेड़खानी. तो आपका काम और मेरा काम है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रह करके और उसको डील करना. 41 says the state shall within the limits of the economic capacity etc. make effective provision for securing the right to work. ये आप गौर से सुनिए, right to work के लिए ये है directive principle of state policy. Right to work के बारे में government को काम करना चाहिए. और सुनिए दूसरा 49 में, right to protect ये मॉन्यूमेंट्स. हमारा सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट ताजमहल है, उसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जगह जगह इतना टूटा फूटा है, आप और से देख लें,
और से आप जाकर देख ले, मैं ये फोटो मेरा लिया हुआ है, तो वो कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा। फिर वो राइट टू वर्क मैंने आपको बता ही दिया, प्रोहिबिशन शराब नोशी बंद होनी चाहिए, ये चार चीजें हैं काहे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इन चार चीजों पर तो कोई काम नहीं हो रहा, नाम भी नहीं लिया जाता, लेकिन एक पांचवी चीज भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर ही सारी अटेंशन है। तो आपको इसके ऊपर गौर करना है कि राइट टू वर्क, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सिक्योर लिविंग वेजेस, ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बढ़ा दिया है। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड विद इन अमंग द हिंदूज ऑल्सो, अभी महेश असुरा उसकी बात चल रही थी कि विद इन द हिंदूज ऑल्सो कोई कहीं किसी को मानता है, कोई कहीं किसी को मानता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बनाओ गया, लेकिन ये भी छेड़खानी करनी। अब राष्ट्रहित देखना है या निहित स्वार्थ देखना है। उसी तरह से ये भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अगर इसके खिलाफ कोई बात होती है जो हो रही है मुल्क के अंदर, तो उसके अगेंस्ट खड़े होना है। देन हाँ, ये अभी जस्टिस अहमदी साहब ने अभी मिली काउंसिल का प्रोग्राम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हमारे नवेद भाई जो वहाँ बराबर बैठे थे, जस्टिस अहमदी साहब ने उस दिन कहा है कि आर्टिकल 32 का इस्तेमाल आप लोग क्यों नहीं करते। आर्टिकल 32 कह रहा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स किल किए जा रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, और सुप्रीम कोर्ट एडमिट करेगा आपकी पिटीशन को, उससे फैसला करेगा। तो हम तो जा रहे हैं, हमारे तैयार है। एज आई एम टॉकिंग टू यू माई मैन इज इन सुप्रीम कोर्ट, पिटीशन इज बीइंग फाइल। मैं आपको इसे बता रहा हूँ, हमारे दीन ने ये कहा है कि जो काम दूसरों से करने को हो वो पहले खुद करो। तो मैं आदमी कर रहा, हो गया, सब चीज़ हो गई, तो आप 20 लोगों ने करीब साइन कर दिया, उसमें फॉर्मर जजेस भी हैं, और वो चल रहा है। देन सिल्वर लाइनिंग एक ज़रूर है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट एज फार एज माई नेशन इज कंसर्न। ह्यूज नंबर्स ऑफ सिटीजन्स अक्रॉस द रिलीजियस स्पेक्ट्रम आर पीपल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि आप पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं, सड़कों पर भी देख रहे हैं, जेएनयू में भी देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। दैट इज अ सिल्वर लाइनिंग। वी नीड लेडीज एंड जेंटलमैन टू गेट अप एंड टेक चार्ज ऑफ द नेशन एंड ऑफ द कम्युनिटी एंड फियर ओनली गॉड। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वजूद अफराद का मजाजी है, हस्ती कौम है हकीकी, फिदा हो मिल्लत पे यानी आतश जने जिसमें मजाज हो जा। द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इज अनरियल, द नेशंस एग्जिस्टेंस इज रियल। बी डिवोटेड टू द नेशन, बिकम डिस्ट्रॉयर ऑफ द अनरियल मैजिक। आप सुधा बना रहे।